झारखंड के गुमला में लोक आस्था का महापर्व छठ उगते सूर्य के साथ ही संपन्न हो गया। इस दौरान छठ घाटों पर छठ व्रतियों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं घाटों पर प्रशासनिक उदासीनता के चलते अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली, जिससे लोगों में आक्रोश देखने को मिला। गुमला में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर पूरे जिले में उत्साह चरम पर रहा। गुरुवार की शाम और शुक्रवार की अहले सुबह विभिन्न छठ घाटों पर लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा। पिछले 2 वर्ष पूर्व की तर्ज पर इस वर्ष घाट पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम का इंतजाम नहीं किया गया था, जिसके चलते व्रती महिलाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहीं पूजा के दौरान छठ पर्व पर सूर्य देव को मौसम के अनुरूप फलों के अलावा खास तौर पर तैयार किया गया ठेकुआ प्रसाद चढ़ाया गया। इस दौरान सूर्य भगवान छठी मैया की भक्ति में गीतों से वातावरण गूंज उठा। महाव्रत है ये, सभी महिलाओं को पुरुषों को करना चाहिए। इसको करने से हर समस्या का समाधान होता है। माँ छठ मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, इसलिए चैती छठ महापर्व कहा जाता है। ये महाव्रत हर कोई को उपलब्ध नहीं होता है। ये छठ व्रत करने से हर इंसान का मनोकामना पूर्ण होता है और इस व्रत को हमेशा सच्चे भाव सच्ची भावना से करना चाहिए। माँ छठ मैया सभी व्रतियों का हर व्रत को मानने वाले को मनोकामना पूर्ण करती है। मैंने छठ मैया से जो मांगा है अपने पति पुत्र परिवार सभी के लिए मांगे हैं और हर मनोकामना हमको पूरा हुआ है। गुमला जिला के लिए क्या मांगा है? गुमला जिला के लिए सुख समृद्धि शांति। क्या नाम है मां को? मेरा नाम सीमा देवी है। एक समाज सेवी के नाते छठ पर्व साल भर में 2 बार होता है। एक छठ के नाम से जाना जाता है, जिसे चैती छठ कहते हैं, और एक छठ होती है शारदीय नवरात्र के आगे नवंबर आसपास में होती है। ये दोनों छठ यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत सी छठ व्रती महिला छठ करने के लिए बहुत उम्मीद से आती है। लेकिन मत्स्य विभाग के तालाब बंद तालाब नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें आज नहीं बरसों से यहाँ छठ की पूजा होती है। लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के चलते यहाँ पर समुचित व्यवस्था नहीं है, ना सुरक्षा की व्यवस्था है, ना घाट की सफाई होती है और ना पानी की सफाई है। इसके बगल की तालाब में काफ़ी सेवार उगा हुआ है, इस पर भी सेवार था, लेकिन आए दिन यहाँ पर लोग आते हैं, स्नान करते हैं। बता दें कि मत्स्य विभाग के वन विभाग मुरली बगीचा तालाब सहित नागफनी के कोयले नदी व अन्य जलाशय पर बनाए गए छठ घाट पर अहले सुबह से छठ व्रती जमा हुए। बच्चे युवा और वृद्ध सभी ने परवे 3 के साथ दूध व जल से भगवान को अधर्य भेंट किया। पे लोगों में काफ़ी श्रद्धा है, ये छठ पर्व के प्रति बहुत श्रद्धा से लोग मनाते हैं और बहुत आयत में मनाया जाता है। इसको बहुत काफ़ी संख्या होती है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई सुविधा यहाँ लोगों को नहीं मिलता है। जहाँ तक सफाई की बात है, बिल्कुल किसी तरह का कोई सफाई यहाँ किया नहीं गया है प्रशासन की ओर से। मेरा आग्रह होगा प्रशासन से कि आगे से यहाँ सर सफाई का ध्यान दिया जाए और छठ व्रतियों को सुविधा दिया जाए। इधर छठ घाटों पर प्रशासन के द्वारा सफाई नहीं किए जाने पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के प्रति रोष प्रकट किया। वहीं छठ घाटों के तालाबों में भी सफाई देखने को नहीं मिली, जिससे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गुमला झारखंड से अजीत सोनी की रिपोर्ट।